श्रीलंका में आर्थिक संकट से परेशान प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और देखते देखते प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा कर लिया। राजपक्षे गोटबाया को अपना आवाज छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका में इस समय राजपक्षे सरकार का विरोध बढ़ती महंगाई को लेकर उनके खिलाफ तेजी से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में श्रीलंका की जनता भारी मात्रा में इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा दे और इसी का मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और कुछ समय के बाद भवन के अंदर चले गए, लेकिन मीडिया के अनुसार गोटबाया राजपक्षे वहां से अपने परिवार के साथ निकल गए थे। बताते चलें कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भवन में घुसते समय पानी के बौछार चलाए, गोलियां चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर भी भीड़ को काबू नहीं कर पाए। खबर के अनुसार दो पुलिस अधिकारी और प्रदर्शनकारियों में से 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें कोलंबो की नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। सरकार ने शुक्रवार को ही श्रीलंका में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया और सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। पुलिस प्रमुख चंदना विक्रम रत्ने ने कहा कि कोलंबो और आसपास के इलाकों में शुक्रवार रात के 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया था और